जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं हर्ष गोयल कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज सुबह का मौसम बारिश ही बारिश चारों तरफ, और आज हमने चुलकाना भी जाना है और शाम को कीर्तन भी है। थोड़ी टेंशन भी है, लेकिन बाबा दर्शन के लिए बुला रहा है तो जाएंगे जरूर। आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे, देखिएगा जरूर, पूरा व्लॉग देखिएगा। अभी तैयार हो रहे हैं, बाबा बारिश रोक देना, देखते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। हम तैयार हो चुके हैं और बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। बारिश रुकेगी तभी हम जा पाएंगे। बाबा जल्दी रोक दो, बारिश मिलने आना है प्लीज़। हैं, बारिश रुकेगी और हाँ, दर्शन जोर से जोर करेंगे, जरूर जाएंगे, बारिश की वजह से रुकेंगे नहीं। और आज शाम को कीर्तन भी है। पहले हमने सोचा कि अकेले जाए, फिर हमने सोचा असली आनंद सबके साथ आता है, इसलिए आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे के पूरे 61 बंदे लेकर जा रहे हैं। 61 श्याम प्रेमी बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और हम सबको एक साथ लेकर जा रहे हैं, पूरी बस लेकर जा रहे हैं। आज हम आपको भी दिखाएंगे कौन कौन बंदे हैं। ठीक है जी, जय श्री श्याम, जय श्री। जय श्री बालाजी। और हम पहुंच गए चुलकाना धाम बाबा श्याम के दर्शन के लिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, थोड़ी देर में व्लॉग आ जाएगा। आज अकेले नहीं आए, पूरे 61 श्याम प्रेमी हमारे साथ है और सभी को हम दर्शन करने के लिए लेके आए हैं। चुलकाना धाम में इस समय हम खड़े हैं और मेरे साथ देखो, पीछे तक सारे श्याम प्रेमी हैं। देखो लास्ट तक हम सारे एक साथ श्याम प्रेमी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी आपको चुलकाना में ही बाबा के दर्शन कराएंगे, उसके बाद जैसे बाबा की इच्छा होगी वैसे ही श्याम, जय श्री बालाजी। और इसी के साथ हम इस समय हैं चुलकाना और आज हमने सोचा है कि लाइन से दर्शन करेंगे। आपको लाइन का नज़ारा दिखा देते हैं, देखिए चारों तरफ लाइन ही लाइन है बाबा के दर्शन करते हैं। आज देख सकते हैं फेस में, आज पहली बार चुलकाना में आकर लाइन में लगने की सोची है और लाइन से दर्शन करेंगे। बोले हरे के सहारे की, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। और इसी के साथ हमारी चुलकाना यात्रा से हम आ चुके हैं और आज हमारा कीर्तन है करनाल। चुलकाना यात्रा हमारी बहुत सफल यात्रा कह सकते हैं, क्योंकि एक साथ 61 प्रेमियों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सभी प्रेमियों ने हमारा सहयोग किया और हम सफलतापूर्वक बाबा श्याम के दर्शन कर लौटे। बहुत प्रेम वाला आनंद आया। वहाँ पे हम देवेंद्र पुजारी जी से मिले, उसके अंदर आपको मैं इसके अंदर फोटो शेयर करूँगा, देखिएगा। तो उनसे भी कुछ विचार विमर्श हुआ। उसके बाद वापस जब हम आए, अब हम आ रहे हैं करनाल की ओर, क्योंकि करनाल हमारा कीर्तन है। तो इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। हम पहुँच गए अपने कीर्तन लोकेशन पर, लेकिन कीर्तन लेट हो गया है क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पानी भर गया था, जिसकी वजह से कीर्तन विलंब हो गया है थोड़ा। अब थोड़ी देर और रेस्ट भी मिल जाएगा चलो, लेकिन लेट है कीर्तन, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है हम सब। लेकिन आप देखते रहिएगा व्लॉग, आपको कीर्तन भी जोर से जोर दिखाएंगे। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी हम अपने रूम में हैं और थोड़ी देर में तैयार होंगे, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया कीर्तन। कीर्तन अभी शुरू हुआ है, लगभग टाइम हुआ है पौने आठ। जय श्री श्याम, आप सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज हम हैं करनाल में और बड़े थोड़े से भगत हैं, और थोड़े से भगत भी ऐसे भगत हैं, दिखाऊं कैसे। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है।